बताइए। मेरा नाम तारिक अहमद है, मैं यहाँ बागी माता गौसिया कॉलोनी लेन नंबर 3 कहते हैं इसको, वहाँ यहाँ रहता हूँ। ये जो SMC ने ये ड्रेन एक बनाई थी यहाँ पे 2017 में, मगर ये इसको आउटलेट के बगैर ही छोड़ दिया है, इनकम्प्लीट छोड़ दिया। अब हमको बहुत परेशानी होती है, बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना पड़ता है, बुजुर्ग मस्जिद तक नहीं जा सकते। ये है गौसिया मस्जिद लाइन नंबर 3, यहाँ पर है कुल ये लाइन 10 में से 9 बिल्कुल करेक्ट हो गए, और ये एक रह गई जो आज 5 साल से दर बदर है। हम चलते हैं और यहाँ चलने का रास्ता नहीं है, ना बच्चों ना औरतों को ना हमें बूढ़ों को, कुछ भी नहीं। हमें बहुत परेशानी है आज 5 साल से, 5 साल से हम दर बदर फिरते हैं, उधर एक दफ्तर से जाकर दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से जाकर तीसरे दफ्तर में, कोई नहीं सुनता है हमारा। हम दरख्वास्त पर दरख्वास्त देते हैं, तमाम अफसर इनको पास गए, मिनिस्टर उनके पास गए, किसी ने नहीं हम कोई इंतज़ाम किया है यहाँ पर। हम कहते हैं किसी तरीके से हमें पानी निकालो, जिस तरीके से हो, नाली दे दो, ड्रेन निकालो, कुछ भी करो, मगर हमें पानी निकलना चाहिए, बस और कुछ नहीं हमारे।